अच्छा, अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सब आपके बुक के टॉपिक हैं, सब बुक में मौजूद था। मैंने आप लोगों की दफ़ा रिवाइज करवा दी है क्योंकि फर्स्ट ईयर सब आप लोगों की वीक ही है और सबसे पहले रिवाइज ही करवाया जाता है, उसके बाद एमसीक्यूज हर चीज़ होती है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी बुक में मिलेंगे नहीं, लेकिन वो पॉइंट्स होते हैं, वो आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे, बस अलग से मैं उनको बता रहा हूँ। पॉइंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेट कर लेता हूँ। अभी किसी एक्सरसाइज का टॉपिक नहीं है, बस रैंडम है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल इफ ए इक्वल टू सी। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो बराबर हो जाए कांस्टेंट टर्म के, ए जो है वो सी के बराबर हो जाए, तो उस इक्वेशन के रूट जो हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। कहने का मतलब, आप जरा इस एग्जाम्पल को ट्राई करना, 2x² - 5x +2 कर लेते हैं। अब देखो यहां पे ए और सी जो है ये आपस में बराबर है, तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके बता देता हूं आंसर आप लोगों को। शिफ्ट दबा के 5 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, 2। अच्छा, कैलकुलेटर में आप जस्ट कोफिशिएंट उतार रहे होते हो, तो इसका एक आंसर आ रहा है 2 और एक आंसर आ रहा है 1/2। तो एक रूट है इसका 2 और दूसरा रूट इसका क्या आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। अब जरा यहां पे ऑब्जर्व करो, मैंने क्या बोला था कि रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, तो रूट्स रेसिप्रोकल है ना। एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट क्या है, 1/2, तो रूट्स आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये उस वक्त होगा जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और सी जो है ये आपस में बराबर होंगे। ये पहला पॉइंट था। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यार सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रूट्स अगर आपके रेसिप्रोकल है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, 2 का रेसिप्रोकल नहीं पता। हाँ, तो ये रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है ना, तो जब रूट्स आपके आपस में रेसिप्रोकल हैं तो ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब आपकी इक्वेशन में ए और सी ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। यार अली, तुम्हारा माइक्रोफोन बार बार ऑन होता है, अब दोबारा ऑन नहीं करना, मुझे बार बार बंद करना पड़ता है, म्यूट करना पड़ता है, तो खुद इस चीज का ध्यान रखो। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, वन रूट विल बी जीरो, मतलब एक रूट जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। कब, जब आपकी इक्वेशन में सी जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, मतलब अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्स्टेंट ना हो तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जीरो के बराबर होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x = 0, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा आपको, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, लेकिन कांस्टेंट की टर्म नहीं है। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, आप यहां पे कॉमन लो एक्स, तो आपने एक्स कॉमन ले लिया। अब दोनों फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखोगे, एक्स को इक्वल टू जीरो रखो और इस पूरी चीज को इक्वल टू जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू -3/2 आ रही होगी। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो, दो रूट जो आए हैं उसमें से एक रूट क्या है, जीरो के बराबर है। तो ये उस वक्त होगा, मतलब एक रूट आपका जीरो उस वक्त होगा जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म जीरो हो। तीसरा पॉइंट है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होंगे अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, और ये कब होगा, इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर आपकी इक्वेशन में बी जीरो हो जाए। अच्छा, इनके सवाल इसी तरह आते हैं, जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं ना यही पूछी जाती है, कि आपसे पूछेंगे रूट्स रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब ए सी के बराबर होता है। एक रूट जीरो कब होता है, ऑप्शन में सब वैल्यूज लिखी होंगी, उसमें से करेक्ट क्या होगा, सी इक्वल टू जीरो। इसी तरह रूट इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में अपोजिट होते हैं, ये कब होता है, जब बी इक्वल टू जीरो है।
तो इस तरह एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब इसकी एग्जांपल भी एक ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, इसको नेगेटिव कर लेते हैं ताकि आसान इजी रूट आए। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, इसमें x की टर्म नहीं है, मतलब b यहां पे क्या है, 0 के बराबर है। अब जरा इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, 2 को डिवाइड कर दो, 4 अपॉन 2 क्या होता है, 2 के बराबर। एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है, x की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों तरफ रूट लोगे तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट टू। तो ये दो रूट जो है, एक रूट है रूट टू और दूसरा रूट है माइनस रूट टू। तो देखो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है, रूट टू, लेकिन साइन में अपोजिट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, साइन में अपोजिट हो, ये उस वक्त होता है जब बी जो है वो जीरो के बराबर है। अब ये वर्किंग आप कर चुके हो पहले भी, ये भी कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, इस टाइप की इक्वेशन आपने सॉल्व की हुई है, बस अलग से मैंने पूरा पॉइंट बता दिया आपको, ये पॉइंट वो पूछ सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट तो नोट कर लो। अच्छा जी, अब एक सवाल आता है और इस सवाल को डिफरेंट अंदाज में पूछते हैं। वो सवाल ये होता है कि आपको कितनी दफा क्वाड्रेटिक, जैसे अभी मैंने एक टॉपिक करवाया था ना फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का, उसमें मैंने बताया था दो रूट चाहिए होते हैं, फिर आप सम प्रोडक्ट करके इक्वेशन मालूम करते हो। वो दो रूट नहीं आपको देंगे, वो एक रूट दे देंगे और बोलेंगे इससे इक्वेशन बनाओ। तो एक रूट से सबसे पहले आप दूसरा रूट मालूम करोगे और फिर उससे इक्वेशन बनाओगे। तो ये दूसरा रूट कैसे मालूम करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट दो तरीके से आ सकता है। इफ वन रूट इज, मतलब जो आपको सवाल में गिवन होगा ना रूट, वो ये वाला होगा। कौन सा वाला, या तो उसमें लिखा हुआ होगा, मैं जनरलाइज बात करता हूं, पी प्लस रूट क्यू, मतलब इस टाइप का कोई रूट होगा, कंसीडर कर लो 1 प्लस रूट टू, या कंसीडर कर लो 1 प्लस रूट थ्री, या माइनस भी आ सकता है, इसमें कोई मतलब फर्क नहीं है। बस इस टाइप का रूट होगा कि एक में 1 लिखा हुआ है, दूसरे में कोई रूट का नंबर है, एड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह भी आ सकता है, या इमेजिनरी करके भी आ सकता है, पी प्लस रूट क्यू आयोटा। और ये बहुत दफा आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपका आंसर आ रहा होगा 1 प्लस रूट टू आयोटा, या आंसर आ रहा होगा 1 माइनस रूट टेन आयोटा, इस टाइप के आंसर आपके आते होंगे। तो अगर एक रूट जो है वो ये है, तो दूसरा रूट क्या होगा उसको देख लो, अदर रूट विल बी, जो अदर रूट होगा वो क्या होगा, अगर p प्लस रूट क्यू लिखा हुआ है तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस रूट क्यू। आपको पता है जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सॉल्व करते हो प्लस माइनस दोनों आते हैं, ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे वाले में नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव वाला गिवन है तो दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये चीज लिखी हो तो ये हो जाएगा p माइनस रूट क्यू आयोटा। तो इसका सवाल वैसे भी आ सकता है, वैसे इन द सेंस के आपको बोल देंगे भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट है 3 प्लस रूट 3 आयोटा, बताओ दूसरा रूट क्या है, तो दूसरा रूट हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 आयोटा। इस तरह भी सवाल आ सकता है, या वो इस तरह भी दे सकते हैं कि वो आपको एक रूट दे देंगे और बोलेंगे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसकी, तो फॉर्मेट किस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, सबसे पहला दूसरा रूट ये वाला हो जाएगा, उसके बाद वही कॉन्सेप्ट लगाना, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा के आप इक्वेशन को मालूम कर लेना। तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एक आखिरी पॉइंट है, वो पॉइंट ज्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आता, तो मैंने एक बड़ा इजी हल निकाला हुआ है उसका, मैं उस तरह समझा देता हूं कि लेट कर लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, अगर मैं बोलूं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं 2 और 3। अब मुझे बताओ एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गौर से सुनना, ये पॉइंट ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं होता, मैं एक ही दफा डिटेल से समझाऊंगा, गौर से सुनना इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या आ रहे हैं 2, 3। आपसे बोला जाए यार ये आपके नेट का मसला है, बाकी किसी को भी मसला नहीं हो रहा, अब मेरी तरफ से होता तो सबको मसला होता। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 है, उसका रूट, उसके दो रूट हैं 2 और 3। अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट जो है वो इसके रेसिप्रोकल है, मतलब उसके रूट क्या होंगे, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3। दोबारा बताता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है 2 कॉमा 3।
अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट जो है वो इस वाली इक्वेशन के रूट के रेसिप्रोकल है। अगर इसका रूट 2 है तो उस वाले का रूट क्या है 1/2, इसका 3 है तो उसका रूट क्या है 1/3, ठीक है, रेसिप्रोकल है। तो ये कैसे पता चलाओगे आप, ठीक है, जैसे मैं दे दूं भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, मुझे बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट आ रहे हैं इसके रूट्स के जो रेसिप्रोकल रूट होंगे इक्वेशन के, मुझे वो वाली इक्वेशन बताओ। मतलब लेट कर लो आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट ये हैं, आपको पता करना हो कि इसके रूट के जो रेसिप्रोकल रूट वाली इक्वेशन है वो कैसे निकालोगे आप, तो ये वाला मेथड उसके लिए है। तो लेट कर लो अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट कुछ भी आ रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट के जो रेसिप्रोकल रूट वाली इक्वेशन होगी उसको निकालने का बहुत ही इजी मेथड है, आप ए और सी की पोजीशन को चेंज कर दो, दैट्स इट। और ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कैसे, मैं जरा एग्जांपल देता हूं आपको बात क्लियर हो जाएगी। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की थी ये वाली, नहीं ये थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, 2 और 3 वाली मैं कंसीडर करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करना, देखना एक रूट आ रहा होगा 2 और एक रूट आ रहा होगा 3। अब आप ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट जो है वो इसके रेसिप्रोकल हो, तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1 और यहां पे कॉन्स्टेंट क्या है 6, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, 6 को ले आओ इधर 1 को ले जाओ उधर, और दरमियान में जो चीज लिखी हुई है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। आप ऑब्जर्व करना जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे इसके 2 रूट आ रहे होंगे 1/2 1/3, मतलब इसके जो थे ना उसके रेसिप्रोकल आ रहे होंगे। तो बस मेथड क्या है, आपने ए और सी की पोजीशन को चेंज करना है, आपके पास वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट जो है वो इस वाली के रेसिप्रोकल होंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन सब पॉइंट में कोई भी मसला है तो पूछ लो, एग्जांपल्स हर पॉइंट के साथ मैंने दिए ताकि इशू ना हो आप लोगों को। इसी तरह कुछ बेसिक बात है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको जब आप ड्रॉ करते हो ना तो पैराबोला आता है आपके पास, चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा पैराबोला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करते हो ना तो आपके पास पैराबोला आता है। और कौन सा पैराबोला आता है, ऐसा पैराबोला जिसकी शेप अपवर्ड होती है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो दो ही केसेस होते हैं ना, तो मैं दोनों केसेस बता देता हूं कि या तो पैराबोला आपका इस टाइप का होगा डाउनवर्ड शेप होगी उसकी, या उसकी अपवर्ड होगी। तो ऐसा कब होगा, सिंपल सी बात है यार, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जो है वो नेगेटिव हो, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो उसकी शेप ये होगी। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान में रखना, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने एक आप लोगों को ऐप बताई थी, मैंने आपको एक ऐप बताई थी डेस्मोस के नाम से, स्टूडेंट करते हैं पता है क्या है, मैं जब बोलता हूं कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप पैराबोला है तो वो जाते हैं उस ऐप में, लेट कर लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट कर ली, अब वो ऐप आपको पैराबोला नहीं देती, ऐप आपको 2 स्ट्रेट लाइन दे रही होती है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ने तो बात गलत बोली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो पैराबोला नहीं होता। तो आम लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, लेकिन असल कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब जिसके पीछे वाई आ रहा हो। इसी इक्वेशन को मैं इस तरह लिखता हूं, अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलोगे, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर वाई आ गया या एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ हो एक ही बात होती है। इसको जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तब आपके पास पैराबोला आ रहा होगा। तो जरा फर्क समझना है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 आ रहा होता है और क्वाड्रेटिक फंक्शन में y आ रहा होता है। इसका ग्राफ 2 स्ट्रेट लाइन इसलिए आता है कि जो 2 रूट्स होते हैं, x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है, ये वो वाली लाइन होती है जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। इसी तरह x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी, जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो तभी जब आप ये ऐप में ड्रॉ करोगे तो ऐप आपको 2 वर्टिकल लाइन दे रहा होगा, क्योंकि वो इसको ड्रॉ कर रहा होगा। जबकि अगर आप y लिखोगे पहले तो अब वो आपके पास एक पैराबोला बनकर आ रहा होगा। तो अगर इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है जिसको आप ए लिखते हो अगर वो नेगेटिव है तो आपके पैराबोला की शेप डाउनवर्ड आ रही होगी, और अगर वो ए जो है मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहां पे 1 है 3 आ जाए या कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए एक्स स्क्वायर के साथ, तो अब आपके पैराबोला की शेप जो है वो अपवर्ड हो जाती है। ठीक है, एक तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है,
कि अगर आपका जो ये एक्स एक्सिस पे बनेगा ना, ये जो आपके पास पैराबोला बन रहा है एक्स एक्सिस पे बनेगा इस तरह, या तो इस तरह बन रहा होगा या नीचे आ जाएगा, मतलब अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, दो ही शेप है ना इसकी। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो होता है ना, तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है। ये तीनों केस में जरा यहां पे बना देता हूं, यहां पे बना देता हूं कोने पे, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एक साथ ही इसका। तीनों केस में बता देता हूं आप लोगों को। पहला केस ये कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता था, मतलब आपके रूट्स इक्वल होते थे, तो उस वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन को जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, बिल्कुल। अब वो डिपेंड करता है कहां पे टच करेगा, वो मैटर करता है, यहां पे कर सकता है, यहां पे किसी भी पॉइंट पे कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा उस वक्त जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को बाकायदा इंटरसेक्ट कर रहा होगा दो पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, तो अब आपका पैराबोला टच ही नहीं करेगा, ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, वो एक्स एक्सिस से मिलेगा ही नहीं, ये ऊपर ही बन रहा है, ये एक्स एक्सिस से कभी भी मुलाकात नहीं करेगा। ये उस वक्त होगा जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो पे दो पॉइंट पे मिलेगा, इक्वल टू जीरो पे एक पॉइंट पे मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट को भी ध्यान में रखना, ये आपके चैप्टर में टॉपिक कहीं भी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को कंक्लूजन बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रहा, इन पॉइंट्स को बस आप लोग जहन में रखना जो भी मैंने आप लोगों को बताए। तो आई गेस आप लोगों का 99% चैप्टर नंबर 3 हो गया है, कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, 3.7 जो है ना, उसका टॉपिक जो है वो बेसिकली आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में कंडीशन गिवन होती हैं, उससे आप इक्वेशन बनाते हो और फिर आप सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये MCQs NAD के पास पेपर में भी आपको मिलेंगे, मैंने डिटेल में आप लोग वो समझाए, मैं आपको जाके आप लोग देख लेना वहां पे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना जो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं, बस एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह 3.7 जो है, इसके सवाल भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, तो इसको भी जाके आप लोग गो थ्रू कर लेना। इसकी शुरू की जो 5-6 क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करना, आगे नहीं जाना, वो बड़े बड़े सवाल और काइंड ऑफ फजूल क्वेश्चन है पूरे। तो शुरू के जो 5-6 क्वेश्चन है ना, उनको आप सॉल्व कर लेना, देख लेना कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसमें से भी यार जो बात के क्वेश्चन है वो तो खैर बहुत मुश्किल है, मतलब आप 3.7 के ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े बड़े MCQs में इतने आते नहीं है, शुरू के 4-5 क्वेश्चन कर लेना। फिर जो NAD के पास पेपर्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे ऐसे सवाल कि वर्ड प्रॉब्लम लिखे हुए होंगे कि एक बंदे की एज जे है, दूसरे बंदे की एज जे है, उससे आप एक इक्वेशन बनाते हो। और तीसरा ऑप्शन ये होगा कि जब मैं आप लोगों को PDF दूंगा, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वो जब हम सॉल्व करेंगे उसमें भी वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 3.7 का एज इट इज कोई अलग से टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फोर्थ पॉइंट एक दफा फिर बता दें यार, कॉन्सेप्ट वही है ना कि अगर आपके पास एक रूट है 1+√2, तो दूसरा रूट क्या होगा, मतलब इसमें अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है बस। इसी तरह अगर एक रूट है 3+√3 iota, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3-√3 iota, ये पॉइंट है। तो बताओ यहां तक बात क्लियर है सबको? तो 99% आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब 3.4 का एक सवाल है, टाइप 7 के क्वेश्चंस थे, जिसमें एक डेफिनेशन होती थी रेसिप्रोकल इक्वेशंस, तो वो मैं बता देता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लो, बस 3-4 मिनट लगेंगे। और मुझे बताओ मैं क्या हल निकालूं इसका, मैं हल क्या निकालूं इसका? तो देखो ये मेरी तरफ से तो मसला नहीं, मैंने अपना नेट 25 Mbps का लगाया हुआ है, इससे ज्यादा मैं क्या लगा सकता हूँ। तो बाकी सबको या तो देखो बाकियों को इशू हो, मुझे जब सब जरा बता दो अभी, क्योंकि अब बहस कर रही है, तो जरा मैसेज में सब लिख दो किसी को इशू हो रहा है नहीं हो रहा। अगर बाकियों को नहीं हो रहा तो भाई मेरा मसला थोड़ी ना है। इस पर मैं ये बोलूंगा नो कमेंट्स, मैं क्या जवाब दूं इस पर।
रेसिप्रोकल इक्वेशन पे आ जाओ। 3.4 में आपको क्वेश्चन नंबर आई गेस 15, 16, 17 तीन क्वेश्चंस हैं ऐसे कि जिसमें आपको इक्वेशन गिवन होती है जिसमें एक 4 वाली पावर होती है, फिर क्यूब पावर होती है, फिर स्क्वायर होती है, फिर 1, फिर 0 होती है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस के बाकायदा टॉपिक है। तो ये डेफिनेशन है, इसको जहन में रख लेना कि आप किसी भी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कब बोलते हो। तो अगर आपकी इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है तो इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज्ड इफ एक्स, यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इफ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन लिख देते हैं यहां पे, व्हेन एक्स इज रिप्लेस बाय 1/x। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन जो भी वेरिएबल के अंदर है, अगर x के अंदर है, y के अंदर है, या t के अंदर है, किसी भी वेरिएबल के अंदर है, तो अगर आप उसमें लेट कर लो x की फॉर्म में, अगर आप उसमें x की जगह 1/x पुट कर दो पूरी इक्वेशन में और इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो उस वाली इक्वेशन को आप क्या बोलते हो? रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब अगर आप 3.4 पे आओगे ना, तो डायरेक्ट अगर पुट करोगे तो ये कंडीशन अचीव नहीं होगी, इसमें आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखो ना, अगर आप डायरेक्ट टी की जगह 1/t पुट करोगे ना, तब ये कंडीशन आपको नजर नहीं आएगी सेटिस्फाई होते हुए। उस इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है मेरे पास, तो उसको सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आना। मतलब एग्जाम्पल में ये इक्वेशन गिवन होगी t^4 t^3 − 4t² + t + 1, है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन, लेकिन अभी आपको कंडीशन नजर नहीं आ रही होगी। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आप पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई किया, स्टेप जाके देख लेना क्वेश्चन नंबर 15 3.4। तो जब आप इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, अब आप ये देख सकते हो कैसे, आप इस इक्वेशन में t को रिप्लेस कर दो 1/t से, तो यहां पे आप t की जगह पुट कर दो 1/t, इधर t की जगह मैंने पुट कर दिया 1/t प्लस 1/, नीचे वाला t जो है इसकी जगह पे पुट कर दो 1/t प्लस, इसी तरह यहां पे t की जगह पुट कर दो 1/t प्लस, इधर नीचे भी t की जगह पुट कर दो 1/t −4 = 0। 1/t का स्क्वायर क्या होगा? 1/t² प्लस, इसी तरह नीचे भी 1/t का स्क्वायर करोगे तो 1/t² आ रहा होगा, जो नीचे वाला t स्क्वायर है ना वो ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहां पे 1/t है और इधर जो नीचे वाला t है वो ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप जरा इसको ऑब्जर्व करो, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, हालांकि आपने पूरी चेंजिंग की है उसके अंदर, आपने इक्वेशन में t की जगह 1/t पुट कर दी है, लेकिन इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ा, इक्वेशन अभी भी वही है जो यहां पे मौजूद थी। तो ऐसी इक्वेशन को आप बोलते हो रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, कोई इश्यू यहां तक? और जो आखिरी पॉइंट है, मैंने आप लोगों को सेकंड में ही बताया था, या शायद ना बताया हो, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में, यहां पे भी बता रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। सर इसका बुक में कौन सा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज? यार ये 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन जो है ये इसी रेसिप्रोकल इक्वेशन के हैं। तो टॉपिक आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो केसेस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फंक्शन गिवन है f(x) = ax² + bx + c, दो केसेस कौन से हैं? अगर a ग्रेटर देन 0 है, दूसरा केस होगा अगर a लेस देन 0 है। तो दो ही केस होते हैं ना, कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो याद रखना, जब भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो आपके पैराबोला जो है वो इस टाइप का बनता है।
तो उसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। पैराबोला आपका बढ़ता जाता है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्योंकि रुक नहीं रहा ना, वो मैक्सिमम बढ़ता जा रहा है। लेकिन मिनिमम वैल्यू होती है, ये वाली मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब ए ग्रेटर देन जीरो है तब नो मैक्सिमम वैल्यू, आपके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, लेकिन मिनिमम वैल्यू होती है। और इस मिनिमम वैल्यू को निकालने की ट्रिक क्या होती है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 2a होगा मेरे ख्याल में, नहीं 4a है, हाँ ठीक है। तो क्या मैंने बात बोली कि जब a ग्रेटर देन 0 है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू होगी, और वो निकालने का तरीका क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। कहने का मतलब आप a c b की वैल्यू पुट कर दो, मैं एग्जांपल देता हूं, इसको ट्राई कर लेना आप लोग, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर मैं आपको बोलूं इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो मैक्सिमम कोई वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर, मिनिमम निकालो तो फॉर्मूला ये है। इसमें आप a b c की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा केस ये है कि अगर a लेस देन 0 है तो अब आपका पैराबोला इस टाइप का बनता है, तो अब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती, मिनिमम नीचे जाता जा रहा है, मैक्सिमम होगी ये वाली, ठीक है। तो नो मिनिमम वैल्यू लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला है, तभी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है, आप लोगों को कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम यही फॉर्मूला है, कोई नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्राई कर लेना, बस मैंने माइनस लगा दिए यहां पे, तो इस वाले को सॉल्व करके देखना, इसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम नहीं आएगी। तो मैक्सिमम कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले के तहत निकालोगे, ठीक है। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो, हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड हो गया। इसको वैसे भी आप निकाल सकते हो, अगर वो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इक्वल टू जीरो रखते हैं, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे ना, ये आएगा 2ax प्लस बी, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखना, x की वैल्यू आ रही होगी माइनस बी अपॉन है, तो इस माइनस बी अपॉन 2a को जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे ना, तो आपके पास यही चीज आ रही होगी। तो ट्रिक कोई आसमान से नहीं आई, ये वही कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव में, चैप्टर 5 में जो आपने पढ़ा था कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखते हो, ये x की वैल्यू आती है, इस x वैल्यू को पुट करते हो तो आपके पास ये y वैल्यू आ जाती है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। फिर अल्लाह हाफिज़।